शमिता शेट्टी की नीस समीशा का दिखा दशहरे के समय भजन करने का क्यूट अंदाज। पॉपुलर एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने दिव्य अंदाज में मनाया दशहरा। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक वीडियो जहां पर वो प्रार्थना और भक्ति में पूरी तरह से लीन है और वीडियो के आखिर में देखते हैं जहां उनकी नीस यानी कि शिल्पा शेट्टी की डॉटर का भजन करने का क्यूट अंदाज दिखा वीडियो के साथ साथ शमिता कैप्शन में लिखती हैं, हैप्पी दशहरा एवरीवन, मे माँ दुर्गा ब्लेस योर फैमिली एंड यू विद हैप्पीनेस लव एंड प्रॉस्पेरिटी ऑलवेज, पीएस डोंट मिस द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अभिषेक कुमार एक बार फिर से हुए एक्स गर्लफ्रेंड ईशा मालविया पर गुस्सा। झगड़े के बाद रोते दिखे अभिषेक। बिग बॉस 17 दिन प्रतिदिन होता जा रहा है बेहद ही इंटरेस्टिंग। जी हाँ, इन अ रीसेंट प्रोमो अभिषेक कुमार ने एक्स गर्लफ्रेंड ईशा मालविया पर निकाल दिया गुस्सा। दरअसल होता यह है कि ईशा अभिषेक के रूम में होती हैं और वो दिखाई देती हैं थोड़ी सी नाराज और वो रूम के बाहर निकलने ही वाली होती हैं, तभी अभिषेक उन्हें इंसिस्ट करके रोक लेते हैं बात करने के लिए, लेकिन ईशा अभिषेक को परेशान छोड़कर निकल जाती हैं और बाद में अभिषेक ईशा को बताते हैं कि उनका बिहेवियर उन्हें बहुत परेशान कर रहा है और इस कॉन्वर्जेशन के बाद अभिषेक फूट फूट कर रोने लगते हैं और ये देखना होगा बहुत इंटरेस्टिंग। पॉपुलर टीवी स्टार गौहर खान ने हस्बैंड जैद दरबार के बर्थडे के खास मौके पर दी है जैद को स्पेशल बर्थडे विश, वो भी अपने ही अंदाज में। जी हाँ, गौहर खान पति जैद दरबार के बर्थडे के खास मौके पर अपने सोशल हैंडल पर शेयर करती हैं जैद के साथ वाली अपनी कुछ क्यूट पिक्स और नीचे कैप्शन में लिखती हैं अपने दिल के जज्बात। गौहर ने लिखा, माई ऑल बर्थडे बॉय, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर यू हस्बैंड, मे अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट एंड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, आमीन, आई लव यू माई जैदी। राम कम है, रावण ज्यादा है, राम तो कोई मिला ही नहीं मुझे आज तक। मन का तन का पता नहीं कहाँ कहाँ का रावण मारो, ये दूसरे की औरतों को लाइन मारता है ये सब। राखी सावंत ने लिया रावण का अवतार। राखी सावंत हमेशा से अपने एंटरटेनमेंट के लिए जानी जाती हैं, लेकिन दशहरा के मौके पर राखी ने कुछ ऐसा किया जो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। जी हाँ, राखी बन गई रावण और रावण बनकर राखी ने क्या कमाल दिखाया आप खुद ही देखिए। कौन जलाएगा मुझे? तुम मुझे कभी नहीं जला सकते क्योंकि मैं कभी जलता ही नहीं हूँ और ना मरता हूँ। हर किसी के शरीर में मैं बसता हूँ, समझ गए? अगर मुझे क्रोध आ गया तो सबको भस्म कर दूंगा।